चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च कॉस्ट अप्रॉक्सिमेट $141 मिलियन है, जबकि इंटरस्टेलर फिल्म का बजट $165 मिलियन है। चंद्रयान 2 मिशन से 20% ज्यादा बजट वाली फिल्म की कॉस्ट थी। तो आज हम बात करेंगे उस फिल्म निर्देशक के बारे में जिसके सीन एक नई दुनिया खोल देता है, जहां कल्पना और हकीकत एक हो जाती है, क्रिस्टोफर एडवर्ड नोलन। तो दोस्तों, हम आज जानते हैं क्रिस्टोफर नोलन के जीवन के बारे में। क्रिस्टोफर एडवर्ड नोलन का 30 जुलाई 1970 को लंदन, इंग्लैंड में जन्म हुआ था। उनके पिता ह्यू नोलन एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव थे और उनकी माँ क्रिस्टीना नोलन एक इंग्लिश टीचर थी। नोलन ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से इंग्लिश लिटरेचर में किया था। बचपन से ही नोलन को स्टोरी टेलिंग और फिल्म मेकिंग में रुचि थी। उनका पहला फिल्म कैमरा उनके डैड ने गिफ्ट किया था, जिसे उन्होंने अपने क्रिएटिव पैशन को एक्सप्रेस किया। उनका परिवार वर्नैक्युलर लिटरेचर और कला में रुचि रखता था और नोलन बचपन से ही एक क्रिएटिव इंसान थे। नोलन कभी फिल्म स्कूल नहीं गए। नोलन ने अपनी फिल्म निर्माण यात्रा 1998 में फॉलोइंग नामक फिल्म के साथ शुरू की, लेकिन उनकी सफल फिल्म मेमेंटो जो 2000 में आई थी, जिसे उन्हें लिखा और डायरेक्ट किया था, इस फिल्म ने रिवर्स क्रोनोलॉजी का इनोवेटिव यूज किया, जिससे ऑडियंस को प्रोटैगनिस्ट की तरह कुछ मोमेंट्स को याद रखने की चुनौती मिली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह रिवर्स क्रोनोलॉजी क्या होती है। रिवर्स क्रोनोलॉजी एक स्टोरी टेलिंग टेक्निक है, जहां एक कहानी या नैरेटिव को यूजुअल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। यानी कि कहानी की शुरुआत एंडिंग से होती है और फिर उसकी प्रोग्रेशन हमें रिवर्स डायरेक्शन में दिखाई जाती है। इस फिल्म ने उन्हें इंटरनेशनल पहचान दी और उसके बाद नोलन ने कई हिट फिल्में दी, जैसे इंसेप्शन, द डार्क नाइट ट्रिलॉजी, इंटरस्टेलर, डनकर्क और टेनेट। जब बात क्रिस्टोफर नोलन की हो तो CGI का उपयोग उसकी फिल्मोग्राफी में एक प्रोमिनेंट रूप से होता है। उनका अप्रोच प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और इन कैमरा टेक्निक्स पर होता है, जिससे उनका फिल्म मेकिंग एक इमर्सिव और रियलिस्टिक माहौल लगे। इस फिल्म में प्रैक्टिकल सेट्स, मिनिएचर्स, स्टंट्स और फिजिकल इफेक्ट्स पर फोकस किया गया है, जिससे उनकी फिल्में एक टैंजिबल और ऑथेंटिक एक्सपीरियंस प्रस्तुत करती है। आपने अभी जो सीन देखा वो सब रियल थे। यही तो खास बात है नोलन की फिल्म की। CGI के बजाय नोलन प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का अधिक उपयोग करते हैं। उनका ऑब्सेशन टाइम से भी जाहिर है। इंसेप्शन में वो सपनों के अंदर के सपने और टाइम डिलेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं। इंटरस्टेलर में ब्लैक होल के आसपास टाइम डिलेशन का इफेक्ट दिखाते हैं। नोलन की द डार्क नाइट ट्रिलॉजी 2005-2012 सुपर हीरो जॉनर में एक नया मुकाम एस्टैब्लिश करती है। जोकर के कैरेक्टर का डेप्थ एंड मॉरल डिलेमास का पता लगाने के लिए इस ट्रिलॉजी में दिखाया गया है। इंसेप्शन में उन्होंने ड्रीम्स के ई लेयर्स में छुपे मूल भावनाओं को एक्सप्लोर किया। स्पिन टॉप सीन, जिसे रियलिटी का पता लगाना होता है, ऑडियंस को भी डिस्ट्रैक्टेड कर देता है। इंसेप्शन में आया वो आइकॉनिक रोटेटिंग हॉलवे सीन, जिसे जोसेफ गॉर्डन लेविट ग्रेविटी के साथ लड़ते हुए दिखते हैं, ये प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का एक श्रेष्ठ एग्जाम्पल है। डनकर्क में वो रियल वॉर एक्सपीरियंस को कैप्चर करने में कामयाब होता है। इवैक्यूएशन सीन में रियल शिप्स का इस्तेमाल हुआ, ऑडियंस को उस वक्त के अंदर ले जाता है। नोलन ने अपने करियर में कई चैलेंजेस का सामना किया। उनका डिस्ट्रैक्टेड डेडिकेशन
अपने क्राफ्ट के प्रति उन्हें एक अलग पहचान दिलाता है। क्रिस्टोफर नोलन आईमैक्स फॉर्मेट का इस्तेमाल अपनी फिल्मों में करता है क्योंकि ये उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां वो अपनी स्टोरीज को ग्रैंड और इमर्सिव तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। नोलन ने कई फिल्मों में आईमैक्स का इस्तेमाल किया है, जैसे कि द डार्क नाइट ट्रिलॉजी, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, डनकर्क और टेनेट। इन फिल्मों में आईमैक्स का इस्तेमाल स्टोरी टेलिंग और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को एनहांस के लिए किया जाता है। उनका फोकस स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर्स पर होता है, लेकिन ग्रैंड विजुअल प्रेजेंटेशन और इमर्सिव एक्सपीरियंसेस के लिए उनका प्यार आईमैक्स फॉर्मेट में ले जाता है। नोलन का संगीत से प्रेम उनके और जिमर के समान कल्पनात्मक दृष्टि से जुड़ा हुआ है। क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज इंसेप्शन, द डार्क नाइट ट्रिलॉजी और इंटरस्टेलर से जानी जाती है। उनका हांस जिमर के संगीत से एक खास संबंध है। नोलन की फिल्में अक्सर विचार के प्रभाव को एक्सप्लोर करती हैं, जिससे जिमर के नए और न्यू म्यूजिक ट्रूप का इस्तेमाल उनके सिनेमा को और भी विशेष देता है। हम इंसेप्शन की ओर देखते हैं, जहां जिमर ने एक ऐसा संगीत दिया है जो फिल्म की गहराइयों को और भी ज्यादा महसूस करने में मदद करता है। संगीत ने खुद फिल्म की एक अलग कहानी बनाई है, जहां आत्मा के गहरे विचार को और भी ज्यादा निखार देने में मदद की है। नोलन की एक नई फिल्म आई है ओपेनहाइमर, जिसे लिखा और डायरेक्ट नोलन ने किया। ये फिल्म जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर है। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान उन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने एटम बॉम्ब के विकास में लीडिंग रोल निभाया। ट्रिनिटी टेस्ट एक प्रमुख परीक्षा थी जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत वर्ल्ड वॉर टू के दौरान की गई थी। इस परीक्षा का उद्देश्य था न्यूक्लियर वेपन्स के तैयार होने वाले इफेक्ट्स और कैपेबिलिटीज को मूल्यांकन करना। इस टेस्ट में पहली बार एक परमाणु बम को पृथ्वी पर प्रहरित किया गया था। नोलन दिखाना चाहते हैं कि कैसे दुनिया का सबसे खतरनाक बम का आविष्कार हुआ। इसी के साथ क्रिस्टोफर नोलन एक विजनरी फिल्म मेकर हैं, जिन्होंने इनोवेटिव टेक्निक्स और कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स का अद्भुत उपयोग किया है। उनकी फिल्में हमें समय और असलता के कॉन्सेप्ट्स पर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी फिल्मों को समझने के लिए पेशेंस रखना और मल्टीपल व्यूइंग्स जरूरी होता है, लेकिन इस सफर में हमें अनेक नए दृष्टिकोण और इंसाइट्स मिलती हैं। अगर आपने उनकी फिल्में नहीं देखी तो आप एक ऐसी क्रिएटिव दुनिया से रूबरू हो सकते हैं जिसकी सिर्फ कल्पना ही सीमित नहीं होती, बल्कि रियलिटी की परतें भी खुली होती हैं। तो ये कुछ रोचक फैक्ट क्रिस्टोफर नोलन के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।